मॉर्निंग क्लास किशोरावस्था के विषय में चर्चा करेंगे। अलग अलग वैज्ञानिकों ने बताया है इसकी समय अवधि हर लॉ के अनुसार ये 13 से 21 वर्ष है। हर लॉ के अनुसार इसकी जो है आयु सीमा जो है 13 से 21 वर्ष है। रॉस के अनुसार इसे 12 से 18 वर्ष रखा गया है। रूसो के अनुसार इसे 12 से 13 से 20 वर्ष रखा गया। अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसका अलग अलग वर्गीकरण किया हुआ है। आइए देखते हैं कि ये शब्द कहाँ से लिया गया है, इसकी ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति क्या है। किशोरावस्था जो है अंग्रेजी शब्द एडोलसेंस का हिंदी रूपांतर है। किशोरावस्था जो है एडोलसेंस शब्द का हिंदी रूपांतर है। ये लैटिन भाषा के लैटिन लैंग्वेज या लैटिन भाषा के एडोलसेयर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ग्रो टू मैच्योरिटी। ग्रो टू मैच्योरिटी मतलब परिपक्वता की ओर बढ़ना। परिपक्वता की ओर बढ़ना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? मतलब जैसे जैसे बालक जो है मैच्योरिटी की ओर अग्रसर होता है, वैसे वैसे वो किशोरावस्था में प्रवेश करता है। किशोरावस्था क्या है? परिपक्वता का काल है, है ना? देखिए, जड़ शील्ड में बताया, जड़ शील्ड एक जो है साइकोलॉजिस्ट है, उन्होंने बताया कि जड़ शील्ड इन्होंने बताया कि किशोरावस्था वह काल है जिसमें प्राणी बाल्यावस्था से प्रौढ़ता की ओर विकसित होता है, इज इट क्लियर? कि किशोरावस्था वह काल है जिसमें प्राणी बाल्यावस्था से प्रौढ़ता की ओर विकसित होता है। ये ऐसा स्टेज है जिसे अंग्रेजी में ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं। क्या? ट्रांजिशन स्टेज। इसे क्या कहते हैं? ट्रांजिशन स्टेज, यानी बीच का वह काल जिसमें बालक न पूरी तरीके से बाल्यावस्था में होता है, न पूरी तरीके से प्रौढ़ावस्था में होता है। ये क्या होता है? उसके बीच में होता है, उसके मध्य में होता है। बालक जो आगे की तरफ अग्रसर होता रहता है बाल्यावस्था से, और प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करता होता है। न वह पूर्ण रूप से बालक होता है, न वह पूर्ण रूप से प्रौढ़ होता है,
और उस बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। और ये किशोरावस्था विकास काल की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। और एक डिफिनेशन ऐसे भी इसको जो है परिभाषित कर सकते हैं कि 12 से या 13 या 12 13 से 21 वर्ष का समय जो है अवस्था क्या कहलाती है? किशोरावस्था कहलाती है। इज इट क्लियर? 12 से 13 या 13 से 21 वर्ष का वह काल जिसमें बालक परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है वो क्या कहलाता है? किशोरावस्था। इतना समझ में आया? रूसो ने इसको कितने आयु में विभाजित किया हुआ है? ये तो हर लॉक के अनुसार रॉस ने 12 से 18 रूसो ने 13 से 20 देखिए इसकी जो है बहुत सारी विशेषताएं हैं। इसमें क्या बालक जो है भावी जीवन की तैयारी कर रहा होता है, इसमें क्या अपने जीवन में आने वाले जो उसको बनना होता है इसी में वो क्या उसके जो है गुण परिचालित होने लगते हैं। इसमें बहुत सारे जो है ये समस्याओं का काल भी कहा जाता है। और इसमें समस्या बाहुल्य, कल्पना बाहुल्य बहुत सारी इसमें जो है इसकी विशेषताएं हैं। आइए उसके विषय में अध्ययन करते हैं। स्टेनले हॉल का नाम सुना है आप लोगों ने? इनके एक बहुत फेमस डिफिनेशन है एडोलसेंस को, जानते हैं आप? बताइए। ये जो है उन्होंने बताया एडोलसेंस इज ए पीरियड ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेस, स्टॉर्म एंड स्ट्राइव। इसे क्या 4S के नाम से भी जानते हैं? क्या है? स्ट्रेन, स्ट्रेस, स्टॉर्म एंड स्ट्राइव। स्ट्रेन मतलब क्या? तनाव। स्ट्रेस मतलब क्या? दबाव। स्टॉर्म मतलब तूफान। और स्ट्राइक मतलब क्या? संघर्ष। इसे इसमें इतने सारे परिवर्तन होते रहते हैं बालकों के, किशोरों के मन में, इसीलिए इस अवस्था को क्या कहते हैं? परिवर्तनों की अवस्था। इसकी पहली विशेषता क्या होनी चाहिए? परिवर्तनों की अवस्था। लिखिए विशेषताओं में आप लोग फिगर बना लीजिएगा। चाइल्डहुड, एडल्टहुड, ट्रांजिशन, जिसे कहते हैं बाल्यावस्था, जिसे क्या कहते हैं? प्रौढ़ावस्था। कुछ विद्वानों ने बताया है कि किशोरावस्था वह संधि से शुरू होके, वह संधि कब से शुरू होती है? 12 से 13। कुछ विद्वानों ने बताया वह किशोरावस्था वह संधि से शुरू होके प्रौढ़ावस्था के शुरुआत तक होती है। प्रौढ़ावस्था की शुरुआत कब से होती है? 21 तक होती है। और स्टेनले हॉल ने इसे 24 और 25 तक माना है। स्टेनले हॉल ने किशोरावस्था की अवस्था को जो है 24 और 25 तक माना है। कितनी बार समझ आए? अब आइए देखते हैं इसकी विशेषता।
उसकी विशेषता में पहला पॉइंट क्या होगा? बताइए, परिवर्तन की अवस्था। परिवर्तन की अवस्था, इस अवस्था में बालक को अनेक प्रकार के परिवर्तनों से होके गुजरना पड़ता है, वो चाहे उसकी मानसिक हो, शारीरिक हो, संवेगात्मक हो, सामाजिक हो, और फिर उसका शैक्षिक हो, बहुत सारे परिवर्तन उसमें देखने को मिलते हैं, और वो ये इसमें परिवर्तन में उसका वातावरण भी आ जाएगा। तो ये सारे जो परिवर्तन होते हैं वो बालक के विकास में या उनके भावी जीवन में बहुत सारा प्रभाव डालते हैं। और इसमें क्या होता है दूसरा पॉइंट, शारीरिक परिवर्तन भी इसमें जो है अधिक मात्रा में होता है। शारीरिक परिवर्तन में एक शब्द है आपका कामुकता, जागरण की अवस्था। रॉस ने इस अवस्था को तीन भागों में बांटा हुआ है। रॉस ने इसको तीन भागों में बांटा हुआ है। इन्होंने क्या बताया कि बालक में जब परिवर्तन होते हैं तो वो बहुत सारे शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक परिवर्तन होते हैं। उसमें एक फैक्टर आपका आता है कामुकता जागरण, जिसे आप क्या कहते हैं, सेक्स डेवलपमेंट। इस स्टेज में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इसका होता है और बालक इसी से क्या मैच्योरिटी की तरफ पहुंचता है। इसमें बहुत सारे फिजिकल चेंजेस भी होते हैं और बहुत सारे जो हैं हार्मोन्स चेंज होते हैं। इसमें देखिए रॉस ने इसको तीन भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला इसका है स्वप्रेमी, स्वप्रेम का मुक्ता। इसमें क्या होता है स्वप्रेम का मुक्ता में बालक स्वयं से प्रेम करता है। बालक या बालिका स्वयं से प्रेम करते हैं। जैसे आप देखेंगे जब 12 से 21, 13 से 21 साल के बच्चे होते हैं तो क्या करते हैं, अपने आप को हमेशा शीशे में देखते रहते हैं, बाल से लेके, ड्रेसअप से लेके, हर चीज़ में क्या करते हैं, वो अपने आप को बहुत ही सुंदर समझते हैं और सुंदर दिखाते भी हैं। तो ये जो स्टेज होता है इसमें बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं, अपने आप सेल्फ जो है सेंटर्ड हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हम ही जो है, हम ही अच्छे हैं, मेरा व्यवहार अच्छा है, हर चीज़ें जो है ये क्या, उनको अपने आप से प्रेम होता है। फ्राइड ने भी इस प्रेम का जो है चर्चा अपनी बुक में किया हुआ है। और दूसरा क्या है, समजाती प्रेम, समजाती प्रेम। इसमें क्या होता है अपने ग्रुप के, जैसे बालक है तो बालकों से उसका ज़्यादा जो है प्रेम व्यवहार होगा, बालिका है तो बालिकाओं से प्रेम व्यवहार होगा। तो ये क्या होता है अपने ही जात से, अपने ही एक प्रकार के गुणों वाले समूह में इनका क्या होता है प्रेम होता है या लगाव होता है, अफेक्शन जिसे कहते हैं। और फिर तीसरा जो है रॉस ने बताया है वो विषम लैंगी, जो आजकल के सामाजिक परिवेश में देखने को मिल रहा है। सबसे ज्यादा बच्चों में जो स्ट्रेन होता है इसी वजह से होता है। समझ रहे हैं आजकल का जो परिवेश है, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, यही रॉस के लिए तीसरे वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। क्या है, विषम लैंगिक। इसमें क्या होता है इस स्टेज में बालक या बालिकाओं को अदर जो लिंग है उसके द्वारा आकर्षण होता है। और इसका भी जिक्र जो है फ्रायड ने बहुत अच्छे से किया है अपने विश्लेषणात्मक थ्योरी में, जिसे आप क्या कहते हैं, साइकोएनालिटिकल थ्योरी। आइए देखते हैं दूसरा क्या है, समस्या बाहुल्य, समस्या बाहुल्य की अवस्था। इसमें बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस अवस्था में बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाती है। दो प्रकार की समस्याएं देखने को मिलती हैं। एक क्या होती है, निजी समस्या, और दूसरी क्या होती है, सामाजिक।
सामाजिक समस्या। निजी समस्याएं क्या होती है? उदाहरण भी दीजिए ऐसे कुछ। किसकी? बच्चा अब बच्चा नहीं रह गया, अब बड़ा हो गया। देखिए निजी समस्याएं उसके अंदर उसकी मित्र मंडली, उसका प्रेम और उसका कैरियर, ये सारी बातें जो उसकी निजी है, जो अपने तक सीमित रखता है, उन समस्याओं को क्या कहते हैं? निजी समस्या। और सामाजिक समस्या क्या है? उसका जो सामाजिक विस्तार होता है, उससे उत्पन्न जो सारी समस्याएं होती हैं, वो सामाजिक समस्या के अंतर्गत आती हैं। तो ये समस्याएं बाहुल्य की अवस्था इसलिए की जाती है, इसमें अनेक प्रकार की समस्याओं को बालक को सामना करना पड़ता है, और जिसकी वजह से उसके अंदर क्या आता है? संवेगात्मक अस्थिरता आती है। अगला पॉइंट है संवेगात्मक अस्थिरता आती है। बहुत जैसे आपने शैशवावस्था में देखा कि बालक का संवेग बहुत ही क्षणिक होता है, उसी प्रकार से बाल्यावस्था में आपने क्या पढ़ा उत्तर और पूर्व में, कि उसके संवेग जो है क्या स्थिर हो जाते हैं, थोड़ा उसके संवेगों में क्या स्थिरता हो जाती है। लेकिन फिर जब बालक किशोरावस्था में आता है तो उसके संवेग फिर से क्षणिक हो जाते हैं। वो बहुत सारी जो है कल्पनाएं करता है, क्षणिक में वो कल्पनाओं सोचता है कि मेरी कल्पनाएं पूरी हो जाएंगी, तो वो उससे खुशी महसूस करता है, खुश का आनंद महसूस करता है। लेकिन कुछ क्षण के बाद अगर उसे कोई निराशा हो गया, किसी ने कह दिया नहीं ये नहीं ऐसे नहीं हो सकता, तो फिर उसको निराशा हाथ लगती है, तो उसकी फिर संवेग जो है ऊपर नीचे होते हैं। तो इसीलिए ये संवेगात्मक अस्थिरता का अवस्था है। अगला है आपका क्या कहते हैं आप? तूफानी अवस्था। हॉलनी से बताया है तूफानी अवस्था। इसे तूफानी अवस्था क्यों कहते हैं? इसमें बालक जो है बहुत ही जोश से भरा होता है, उसके अंदर बहुत स्प्रिट हुआ होता है, जो भी उसके मन में आता है उसे करने के लिए वो तत्पर रहता है, और उसके अंदर बहुत ही एनर्जी भरी होती है, इसलिए वो जो है इस एज को तूफानी अवस्था भी कहते हैं। और दूसरा आपका क्या है? स्टेनली हॉल के अनुसार ही संघर्ष की अवस्था। बालक को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए, अपने मन की इच्छा पूर्ति करने के लिए बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे उसे उन सब चीजों से क्या संघर्ष करना पड़ता है, इसीलिए इस अवस्था को संघर्ष की अवस्था भी कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, सामाजिकता का विकास। अच्छे ये देख लीजिए, उच्चतम परिपक्वता। उच्चतम परिपक्वता की अवस्था है ये अवस्था। किशोरावस्था को उच्चतम परिपक्वता की अवस्था क्यों कहते हैं? सारे पॉइंट्स तो आप लोग पढ़ रहे हैं, बताइए, कुछ अलग नहीं है? वही सारी चीजें जो पढ़ रहे हैं वही है। मानसिक और शारीरिक रूप से परिपक्व होता है, मीन्स वो मैच्योरिटी की ओर आता है। मैच्योरिटी का क्या मतलब है? परिपक्वता क्या है? शारीरिक और मानसिक
परिपक्वता मतलब कि आप एकदम से किसी समस्या को बहुत आसानी से उसको हैंडल कर सकते हैं, उसको फेस कर सकते हैं, उसका निष्कासन कर सकते हैं, उसका उसके समस्याओं से आप निजात पा सकते हैं। और वो मैच्योरिटी कहने का मतलब आप हर समस्या में, हर उस चीज़ में अपने आप को समायोजित कर सकते हैं। और एक चीज़ है आपका, इसमें समायोजन का अभाव होता है इस अवस्था में, समायोजन का अभाव। समायोजन का अभाव क्यों होता है इस अवस्था में? सबसे पहला पॉइंट आपने पढ़ा है कि ये परिवर्तनों की अवस्था होती है। जब इतने सारे चेंजेस होंगे बालक में तो वो अपने आप को एक समायोजित नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसके अंदर क्या समायोजन का अभाव देखा जाता है। वो धीरे धीरे अपने आप को इस समाज में, इस किसी भी एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करता है। लेकिन जो है इस काल में, किशोरावस्था में, ये उसमें कमी देखने को मिलती है ना। सामाजिकता कहीं ना कहीं बालक में प्रवेश करने लगती है, उसके अंदर ये आ जाता है कि नहीं, समाज से, सिर्फ अपने से नहीं, ईगो सेंट्री ना होके वो क्या करता है, उसका ध्यान जो है सोशलाइजेशन की तरफ जाता है। और वो क्या, एक सामाजिकता का भावना का उसके अंदर विकास होता है और वो अपने आप को सामाजिक बनाना चाहता है। और एक पॉइंट आपका है वीर पूजा। किशोरावस्था को वीर पूजा की अवस्था भी कहते हैं। वीर पूजा की अवस्था, वीर पूजा की अवस्था कहते हैं इसलिए क्योंकि बालक जो है किसी भी अपने आप को नहीं, किसी को जो है आइडियल समझ के जो है उनकी हर चीज़ का जो है कॉपी करना, उसको फॉलो करना। अगर वो जो है आइडियलिस्ट है तो वो किसी आइडियल इंसान, आइडियल कहने का मतलब किसी जो है फिलोसफर, किसी सोशल वर्कर, किसी को भी वो अपना क्या एक आइडियल समझ के और उसी का जो है आइडियल कहने का मतलब इस आदर्श, उनको आदर्श मान के अपने भावी जीवन को वो क्या करता है, अपने भावी जीवन की तैयारी करता है। और एक पॉइंट और देखिए इसमें, नैतिकता। नैतिकता की अवस्था, इस अवस्था में आते आते बालक जो है पूर्ण तरीके से नैतिकता का प्रदर्शन करता है। वो जितने भी अपने आइडियल्स जो वो करता है, उसके आदर्शों को क्या करता है, प्रदर्शित करता है, अपने आप में रखता है और वैसा व्यवहार समाज के साथ करता है। इसलिए किशोरावस्था को नैतिकता की भी अवस्था कहते हैं। इसमें जो है, और एक बार, जब किशोरावस्था में बालक प्रवेश करता है तो उसका सर्वांगीण विकास होता है। सर्वांगीण विकास होता है, कहने का मतलब उसका शारीरिक मानसिक संवेगात्मक सांस्कृतिक नैतिक शारीरिक
मानसिक, संगीतात्मक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, चारित्रिक, हर प्रकार का विकास किशोरावस्था तक आते आते हो जाता है, क्योंकि किशोरावस्था में आने के बाद जो है जीवन प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करने वाला होता है। और जब प्रौढ़ावस्था क्या होता है, बालक का सबसे क्या होता है, बालक का ही पूर्ण रूप, सबसे विकसित रूप जो है क्या होता है, प्रौढ़ावस्था होता है। कुछ इसमें पूछना है तो पूछ लीजिए। अच्छा, इसकी शिक्षा क्यों दी जाती है, इसका महत्व क्या है किशोरावस्था का, किशोरावस्था के अध्ययन का महत्व। बताइए, इतने सारे पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़ ली, इतनी सारी बातें पढ़ ली, शैशवावस्था से लेके बाल्यावस्था से लेके किशोरावस्था में जो इतनी विशेषता पढ़ ली, अब बताइए इसके अध्ययन का क्या महत्व है, इसको पढ़ाया क्यों जाता है, पढ़ाने का भी तो कोई उद्देश्य होगा, बताइए। चिंतन स्तर पे हैं, थोड़ा दिमाग बुद्धि लगाइए। पहली बात ये क्या, बालक की मनोदशा को हम समझ सकते हैं, मनोदशा को समझेंगे तभी तो जानेंगे कि बालक जो है उसके मन में क्या चल रहा है। और एक बात, किशोरावस्था में पेरेंट्स को जो है बालकों का माँ बाप न होके मित्र बन के रहना होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं बालक के अंदर, बालकियाओं के अंदर जो अपने आप में छिपा के रखते हैं, जब तक आप उनसे मित्रता का व्यवहार नहीं करेंगे तो वो क्या उन सारी चीज़ों को छिपाए रखते हैं। और इस एज में जो है बहुत सारे बच्चे जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं। सबसे ज़्यादा कारण क्या होता है, एक तो वो जो है अपने कैरियर को लेके और दूसरा अपनी लव को लेके, इसमें दो बातें आती हैं, बहुत ही ज़्यादा चिंतित होते हैं और ये दोनों बातें वो किसी से शेयर नहीं करना चाहते, और इन दोनों की वजह से बहुत सारे ऐसे जो है काउंसलिंग गाइडेंस ये सारी क्लासेस इसीलिए चलाई जाती हैं कि बच्चा एक समय आ जाता है डिप्रेशन में चला जाता है, अपनी मनोभावों को छिपाते। और एक इस ये जो है बाल विकास अध्ययन जो है किशोरावस्था अध्ययन जो है इस चीज़ को क्या करता है, इस चीज़ को कंट्रोल करता है किसी हद तक। अगर आप जो है बालक के साथ मित्रता का व्यवहार करेंगे अपने बच्चे के साथ तो अपनी परेशानियों को बताएगा, और जब परेशानियों को बताएगा तो आप उसका सलूशन या उसके उसका निवारण का कारण खोजेंगे और उसे जो है सांत्वना देंगे। इस समय बच्चे को बहुत ही अधिक सहानुभूति सिंपैथी की ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा सिंपैथी की ज़रूरत बालकों की किशोरावस्था में होती है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा उसके मानसिक रूप में बहुत ही ज़्यादा रिफ्लेक्शन चल रहे होते हैं, बहुत वो मानसिक तनाव से गुजर रहा होता है। अगर आप उसके सामने जो है रूड बिहेवियर शो करेंगे तो वो बहुत सारी जो है अलग चीज़ें अपना सकता है, जैसे सुसाइड कर लिया या फिर भी कुछ भी कर सकता है, अपने आप को हानि पहुंचा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ का जो है आपको शिक्षा दी जाती है। ये जो है शिक्षक के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि शिक्षक ही क्या है, एक राष्ट्र का निर्माता है और बच्चे के भविष्य का जो निर्धारण वो शिक्षक ही करता है। तो इसलिए इसकी शिक्षा जो है शिक्षकों के लिए आप लोगों के लिए अनिवार्य कर दी गई है। ठीक, आज के लिए बस इतना है।